में कार दिलाने का झांसा देकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक से 11,12,000 रुपए की ठगी की गई है। आरोपी जबलपुर निवासी आयुष अग्रवाल, अमिताभ शुक्ला और पंकज अग्रवाल हैं। सुरेंद्र नगर निवासी डॉक्टर धनंजय सेलुकर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चिकित्सक है। 11 जनवरी को उनकी आरोपियों से भेंट हुई। आरोपी परिजन के उपचार के लिए नागपुर आए थे। उन्होंने डॉक्टर सेलुकर को कम कीमत पर कार खरीदने का झांसा दिया। कार बुक कराने की बात कहते हुए डॉक्टर सेलुकर से 11,12,000 रुपए ले लिए। इसके बाद से डॉक्टर सेलुकर कार की डिलीवरी का इंतजार कर रहे थे। आरोपियों द्वारा लगातार टालम मटोल किए जाने से डॉक्टर सेलुकर को संदेह हुआ। उन्होंने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। अजनी पुलिस स्टेशन में एक चीटिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, सीआर नंबर 291/22। उसमें डॉक्टर धनंजय सेलुकर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको एक गाड़ी लेना था। तो वो गाड़ी वेंटो गाड़ी, उनको फोक्स वैगन का वेंटो गाड़ी लेना था। तो उनके परिचय के एक आयुष अग्रवाल करके है जो एमपी में रहते हैं, उनसे उनका मुलाकात कुछ हॉस्पिटल के मशीन के लेन देन में हुआ था। तो उन्होंने उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा गाड़ी लेना है। तो उन्होंने फिर अग्रवाल जो यहाँ इस ऑफेंस में एक्यूज है, उन्होंने बताया कि तुम महाराष्ट्र से यहाँ के जो बाकी आरटीओ के जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो तुम एमपी में लोगे तो तुमको सस्ता गाड़ी मिलेगा, ऐसा बोल के फिर उन्होंने 11,12,000 रुपए उनसे लेके उनके साथ चीटिंग किया है। मैं नागरिकों को यही अपील करूँगा कि तुम अगर छोटे फायदे के लिए अपना बड़ा नुकसान करवाओगे तो ये गलत बात है। तुम ये यहाँ पे रहते हो तो यहाँ पे सब चीज़ें तुम वेरीफाई करके खरीद सकते हो। अगर आपको सिर्फ आरटीओ चार्जेस कम मिलते हैं या महाराष्ट्र से ज़्यादा एमपी में कोई चीज़ कम पैसे में देने का कोई लालच दिखाता है तो आप इस पर विश्वास मत रखिए। पूरा आपको उसके बारे में कन्फर्मेशन होने के बाद ही किसी से व्यवहार कीजिए और अपना चीटिंग मत होने दीजिए। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।